वैसे 5 मिनट तो लेट हो गया, लेकिन जिन लोगों ने भी मतलब ऑनलाइन जो भी आ गए हैं तो एक बार हाय सर, प्रेजेंट सर, जो भी लिखना है वो लिख दीजिए, जिससे कि क्लास को हम आगे बढ़ा सके। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रेजेंट सर, प्रिंस, प्रियांशु, स्नेहा, प्रतिमा, ठीक है, सबको वेलकम। ठीक है, आजमगढ़ फिल्म साय, यशवंत रावत, थैंक यू, थैंक यू। चलिए फटाफट आप लोग आ जाइए ऑनलाइन, जिससे कि हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकें। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग आ गए हैं। सत्यम सिंह, ठीक है, सत्यम सिंह मतलब कि अलका सिंह, ठीक है, हाय आजमगढ़ फिल्म्स, यशवंत रावत, अरमान, अंशिका, ठीक है। सो जो लोग टाइम के पंक्चुअल हैं वो आ गए हैं। अच्छा, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, एक बार आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं वो थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा भी मैसेज करने का मन कर रहा है, थोड़ा सा एक तो मैं भी कर लूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। और बीच में अगर आप लोग क्लास छोड़ के चले जाएंगे ना तो समझ में नहीं आने वाला है, आपकी आज की मस्ती आपको काफ़ी परेशानी देने वाली है। तो मस्ती किया कीजिए बट पढ़ाई के टाइम पे नहीं। पढ़ाई के टाइम पे आप क्या करते हैं, यूट्यूब खोल के कुछ और देखने लगते हैं, तो वो समझ में नहीं आएगा। वो आप हमें धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं दे रहे हैं, आप अपने खुद को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, रितिका, सुमन देवी, बहुत अच्छे। चलिए अब तक केवल 10 लोग ही लाइव हैं। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो आ गए हैं, सो चलिए स्टार्ट किया जाता है। हम तो कल की क्लासेस में हमने देखा था कुछ चीज़ें, उसको थोड़ा सा हम एक मिनट लगेगा रिवाइज कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कल के क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में लगभग देखा था। प्रेजेंट टेंस में हमने, प्रेजेंट टेंस एक खुद टाइप ऑफ टेंस होता है, उसको हमने देखा था। इन प्रेजेंट टेंस के 5 पार्ट्स होते हैं, हमने कल के क्लासेस में डिस्कस किया था कि प्रेजेंट इन टेंस एक खुद टेंस होता है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। सो इस सब के बारे में तो हमने देख ही लिया था। तो हमने एक चीज़ सीखा था कि प्रेजेंट टेंस भी एक टेंस होता है, ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस भी एक टेंस होता है, और उसमें हमने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखा था। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट एक मिनट लगेगा, हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था उनकी पहचान है, हूँ, हो होती है। ठीक है, हूँ, हो एक से पहले कुछ भी नहीं आना चाहिए, अगर है, हूँ, हो तो बस वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। और उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर हमने बात करी तो इज, एम, आर डायरेक्ट वो क्या होता था, उनकी हेल्पिंग वर्ब। हमने कई सारे सेंटेंसेस पे भी डिस्कस किया कि कैसे कौन सेंटेंस होता है, जैसे लास्ट में बस है, हूँ, हो आना चाहिए और उससे पहले कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने बात किया कि है के लिए इज लगाएंगे, हो के लिए एम लगाएंगे, एंड हो के लिए आर लगाएंगे, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और हमने डिस्कस किया था उनके पॉजिटिव सेंटेंस पे, मतलब पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस पे, नेगेटिव टाइप के सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस पे भी हमने उस पर डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने जैसे
काफ़ी सेंटेंसेस और उनके ट्रांसलेशन भी सीखा था कि कैसे किसी हिंदी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे उनके ट्रांसलेशन को हम जानेंगे। ठीक है, तो ये सब रही कल की बात है, इनको हम शॉर्ट में केवल देख लेते हैं। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि उसकी पहचान ताए तिए ते हैं, ये तो ईजी है आपके लिए, आप काफ़ी बार पढ़े होंगे। लेकिन इनमें हमने डिस्कस किया था कि इस वाले पे आपको क्या करना था कि इनमें केवल जब हम पॉजिटिव सेंटेंस को बनाते थे और इंट्रोगेटिव या निगेटिव को बनाते थे तो उनमें हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होता था कि क्या होता था, वो अलग अलग होते थे। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उनके पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो उसके पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। लेकिन कल के क्लासेस में हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि यस या ईएस आप एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सा आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। तो पॉजिटिव में तो यस या ईएस लगता था, लेकिन जैसे नेगेटिव आ जाता था उसमें तो क्या होता था, उसके नेगेटिव में डू और डज लग जाता था, इंट्रोगेटिव में भी डू और डज लग जाता था, फिर उसके बाद यस या ईएस हम हटा देते थे। ठीक है, तो ये भी हमने देखा। हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो आप जानते हैं, हमने अभी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने उसके ट्रांसलेशन के भी बारे में देखा था, जो हमें आज देखना मतलब टाइम वेस्ट होगा। सो हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, एक बार शॉर्ट रिविज़न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये तो कल का हो गया। आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट से, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट सॉरी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा फिनिश हो चुका था। आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कि आज हमें यहाँ से पढ़ना है, सीखना है। सो चलिए, सबसे पहले हमने आपको कुछ बातें बताई थी कि किसी भी सेंटेंस को या फिर टेंस को करने के लिए क्या करना होता है। तीन चीज़ें हमें जाननी बहुत ही ज़रूरी होती है, पहले उसकी पहचान, दूसरी उसकी हेल्पिंग वर्ब एंड तीसरी उसका फॉर्मेट। और मैंने बताया था कि फॉर्मेट तो सब में इजी ही होता है, मतलब फॉर्मेट भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अगर उसकी पहचान मीन साइन और हेल्पिंग वर्ब रहा तो हम उस टेंस को आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर ये दोनों चीज़ें हमें प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पता चल गई तो क्या होगी, ईजी तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो पहचान की पहले पहचान की अगर हम बात करें तो साइन कौन सी होती है, आ ई ए के साथ में है हूँ हो आता है। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, जैसे अब तक केवल हमने पढ़ा था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो तो इजी था, हम लोग क्लास 5, 6 और ऊपर की क्लासेस में भी क्या हुआ, हमने वही सीखा कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना होगा, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ है, ई है, ए हो, जैसे वह गया है, वो गई है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस के अगर लास्ट में देखेंगे आप तो आ के साथ में है हूँ हो आ रहा है, ठीक है, या फिर ई के साथ में है हूँ हो हे आ रहा है, या फिर ए के साथ में, जैसे वह सारनाथ गए हैं। ठीक है, वो सारनाथ गए हैं, अब देखो गए हैं लास्ट में गए हैं आ गया। ठीक ठीक है, तो ग ये में ए की मात्रा आ रही है, ए और है, तो ये है। ठीक है, इस तरह के कोई भी वर्ड जैसे आ है, ई है या फिर ए है, इस तरह के सेंटेंस जब लास्ट में आ जाते हैं तो वो भी क्या कह जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कहे जाते हैं। नॉर्मली हमने देखिए तीन चीज़ों में आपको क्या होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। पहला, बस अगर आ जाए, ठीक है, बस और बस केवल आ ई ए आ जाए, ठीक है, ओनली आ ई ए आ जाए तो वो तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, आ ई ए क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। लेकिन वहीं आ के साथ में, ई के साथ में, ए के साथ में हैं आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। वही आ ई ए के साथ में क्या आ जाए, था थी थे आ जाए, क्या आ जाए, था थी थे आ जाए, तो वो पास्ट का परफेक्ट होता है। अगर वही आ ई ए के साथ में गा गे गी आ जाए तो वो क्या होता है, फ्यूचर का परफेक्ट होता है। ठीक है, इस बात को हमें थोड़ा सा सीखना है, मतलब समझना है, क्योंकि अब तक तो हमने परफेक्ट के बारे में बस यही जाना था कि चुका है, चुकी है, चुके हो आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ गया तो पास्ट परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्या होना होगा ना, थोड़ी सी अपडेट होना होगा, खुद को अपने को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए ठीक है, आ ई ए ये तो हमें पता हो गया। देखिए तीन चीज़ें आपको कन्फ्यूज करेंगी, पहला बस अगर आ गया, ठीक है, बस और बस क्या आ जाएगा, आ ई ए, तो वो हो जाएगा सीधे सीधे पास्ट का इंडिफिनिट, क्या हो जाएगा वो, पास्ट इंडिफिनिट। लेकिन आ ई ए के साथ में, ठीक है, आ के मतलब आ ई ए के साथ में क्या आ जाए, है हूँ, आ ई ए प्लस में क्या आ जाए, है हूँ
हो इस तरह के आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट हो जाएगा। किसका परफेक्ट? प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाए। वही आ ई ई के साथ में, ठीक है, वही आ के साथ में क्या आ जाए, था आ जाए, ठीक है, आ के साथ में था थी थे आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। किसका परफेक्ट हो जाएगा? पास्ट का, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और वही आ ई ए के साथ में गा गी गी आ जाए, किसके साथ में, आ के साथ में गा गे गी मतलब आया होगा गया होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर का परफेक्ट। यही चीज़ें अगर आप चारों चीज़ें एक दूसरे से कंपेयर करा के समझ लेंगे तो आपको कोई भी, ठीक है ठीक है, श्वेता है हूँ, ठीक है, हाँ हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न आपको तो चैट बॉक्स में लिखते रहिए, हम चैट आपका रीड कर रहे हैं सबका, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पूछना हो तो चैट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रही, मतलब कि आ ई ई अगर बस आ ई ई आ जाए तो वो पास्ट का इंडिफिनिट होता है। अगर वही आ ई ई के साथ में है आ जाए, हूँ आ जाए, हो आ जाए तो वो क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाता है। अगर वही आ ई के साथ में था थी थे आ जाए, पास्ट का परफेक्ट होता है। अगर वही आ ई ई के साथ में गा गे गी आ जाए तो वो क्या होता है, फ्यूचर का परफेक्ट होता है। चलिए ठीक है, मतलब कि यहाँ चीज़ें क्या हो गई आपकी, क्लियर हो गई। तो हमें यही बताना था बस कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी हाँ देख लेनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हमने बात कर ली, तो प्रेजेंट परफेक्ट की साइन, पहली साइन हिंदी साइन क्या होती है, हिंदी में अगर कोई सेंटेंस है उसे इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है तो उसके हिंदी में क्या आते हैं, आ ए ई के साथ में है हूँ ही आते हैं, या फिर वो वाला आता है जो हम जानते हैं आज तक, जैसे चुका है चुकी है चुके हैं, ठीक है, या तो चुका है चुकी है चुके हैं आएगा, या फिर आ ई ई के साथ में है हूँ हो आ जाएगा। क्लियर होगा मुझे लगता है। चलिए ठीक है, तो साइन तो हमारी क्लियर हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट की साइन ये दोनों होती हैं, या आ ई ए के साथ में है हो आएगा, या फिर चुका है चुकी है चुके हो ये आएगा। अब दूसरी चीज़ बचती है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमने बताया कि किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए स्पेशली थ्री थिंग्स की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की, ठीक है। एक बार सभी लोग अपना नेम मेंशन कीजिए तो देखें कौन कौन क्लास में है कौन कौन नहीं है। सभी लोग अपना नेम मेंशन कीजिए, ओनली नेम, सभी लोग अपना नेम मेंशन कीजिए वन बाय वन, एक एक बार कीजिए, हम देखें स्क्रीनशॉट मार के रख लेते हैं कौन कौन है, ठीक है। अरे बाप रे, ये तो कुछ लोग, अलका सिंह कितनी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही हो, अभी एक से फिर दूसरे से फिर तीसरे से, भाई मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। प्रियांशु, रुद्रजीत, रितिका, प्रतिमा, हाँ ठीक है, नेम अपना मेंशन कीजिए सभी लोग। आदित्य ठीक है, नेम मेंशन कीजिए, एक मिनट हम वेट कर ले रहे हैं पढ़ने के लिए, हम लोग 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, लेकिन हम देख लें आज क्लास में है कौन कौन, वो ज़रूरी है थोड़ा जानना। हिमांशु सर वीडियो रुक गया, वीडियो नहीं रुका है, वीडियो मैं देख रहा हूँ, वीडियो मैं चला रहा हूँ, थोड़ा भी रुकेगा तो मुझे पता चल जाएगा। अंजलि बहुत अच्छी, अंजलि ने भी आज क्लास अटेंड किया है। आकाश यादव, आदित्य राज, प्रतीक्षा, ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमने कहा था कि किसी भी टेंस के लिए क्या चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पहली उसकी पहचान किसी भी टेंस के लिए, पहली उसकी पहचान, दूसरी उसकी हेल्पिंग वो। अब तो पहचान तो हमारी क्लियर हो गई, आ ई ए के साथ में है हुए आए, या फिर चुका है चुकी है चुके हैं आए, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब भी इसमें क्या होता है, दो लगते हैं, हैज हैव, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म, जैसे गो वेंट तो गॉन लगेगा ना कि गो वेंट लगेगा, ठीक है। तो वर्ब का अगर फॉर्म आपको चाहिएगा होगा तो हम आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, आप सभी लोग उसको ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसी भी लिंक दे देंगे तो आप वहाँ से भी पा सकते हैं। तो देखिए आप इसको देख के थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा और कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्या, कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब है, पहली क्या है, हैज़ है, दूसरी क्या है, हैव है, तो क्या दोनों हम यूज़ करेंगे, नहीं,
हमें एक ही यूज़ करना है। देखिए हमने बताया था कि जिस भी टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो जो पहली वाली होती है मीन हैज़ वाली, यहाँ पे हम क्या की यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ में यूज़ करेंगे, और जो हैव वाली होगी वो किसके साथ में यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ में यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी में भी जहाँ इस तरह से दो टेंसेस आपको देखने को मिले, ठीक, हाँ मेरे पास है, ठीक है, थर्ड फॉर्म वाला, हाँ आप लोगों के पास होगा क्योंकि प्रिंट करवाया गया, और नहीं है तो नेट से निकलवा लीजिए, गूगल कैन प्रोवाइड अस एवरीथिंग इफ यू सर्च द थिंग ऑन द एग्जैक्ट पोजिशन। चलिए ठीक है, तो पहला क्या होता है, सिंगुलर के साथ में, अनहैप किसके साथ में, प्लूरल के साथ में यूज होता है, और उन सब के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल आप जानते हैं, जो ही होता है और सी होता है, इट होता है, और किसी का क्या होता है, नेम होता है, ये किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। बाकी जितने भी बच जाते हैं वो किस में आते हैं, प्लूरल में। जैसे कि क्या हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सभी किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। क्लियर हुआ, साउंड मत बजी नहीं तो रिफ्लेक्स करी। ठीक है, सो ये होता है हमारा क्या, सिंगुलर एंड प्लूरल का। तो चलिए दोनों चीज़ें हमें पता हो गई कि सिंगुलर के साथ में हम हैज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ में हैव यूज़ करेंगे, वो आपका थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, पहचान भी हमें क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम कहाँ बढ़ते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारे प्रैक्टिस सेट में पहला है, हम आज खेल चुके हैं। ठीक है, हम आज खेल चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, प्रतिमा, ठीक है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे, आप लोगों का रिप्लाई आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बहुत अच्छे। इसी तरह मैसेज करते रहिएगा, मैसेज मत रुकिए, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ बच्चे एक्टिव हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, 15 लोग ऑन लाइव हैं। ठीक है, तो इसको अगर हमें ट्रांसलेट करना है, अगर हमें इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, तो हमने बताया था आपको तीन चीज़ें देखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। अभी आप बड़े हो जाएंगे तो डायरेक्टली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी आप लोग थोड़े बच्चे हैं और प्राइमरी लेवल से सीख रहे हैं, और हम प्राइमरी लेवल से सिखा भी रहे हैं, मे बी आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोग स्मार्ट हैं मुझे पता है, बट अब मैं प्राइमरी लेवल से सिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या होना होगा कि आराम से एकदम मीन पेशेंस के साथ रूल्स को फॉलो करते हुए क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसकी पहचान, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम फिर तैयार करते हैं उसका फॉर्मेट। ठीक है, तो अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान किसी भी टेंस की उसके लास्ट में होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लास्ट का एक वर्ड या फिर जो दो वर्ड होता है वो क्या होता है, उसका पहचान होता है। तो यहाँ पे क्या है, चुके हैं, तो अभी हमने पढ़ा चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये किसके टेंस होते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। अब जब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम याद करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था। सो हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैज सिंगुलर के साथ में, एंड हैव क्या था, प्लूरल के साथ में, यही ना, हैव किसके साथ में था, प्लूरल के साथ में। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, और तीसरी बात अब मिल गई हमारी, कि तीसरी बात क्या होती है कि फॉर्मेट। तो चलिए फॉर्मेट हमें पता है कि पहले हम सबसे पहला करते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, तुरंत पीछे करते हुए आ जाते हैं, बेसिक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी, ठीक है, वी, फिर पीछे जाएंगे, अभी वी, अब समस्या आ गई कि सिंगुलर लगाएं या फिर प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लगाने वाले हैं, प्लूरल, क्यों, क्योंकि प्लूरल के साथ में हैव लगता है, और यहाँ पे वी क्या है, प्लूरल है, तो हम, तो हमने पहले इसको लिखा, फिर उसके बाद हम पीछे गए, हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव, उसके बाद हम इसको लिखेंगे प्ले, लेकिन ये प्ले नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो प्लेड हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, टुडे, वी हैव प्लेड टुडे, क्लियर हुआ। सो ये हो जाएगा हमारा, वी हैव प्लेड टुडे, ठीक है, वी हैव प्लेड टुडे, या फिर जैसे आपको बताया गया है, टुडे आ जाए, टुमारो आ जाए, या फिर ये कहीं पे भी आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, उसको लगा के पहले टुमारो वी हैव प्लेड, तो दोनों में से आपको जो भी बेटर लगे वो आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, वी हैव प्लेड टुडे भी लिख सकते हैं, और फिर क्या लिख सकते हैं, टुडे वी हैव प्लेड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अजय कल मेरे घर आया है, अजय कल मेरे घर आया है, ठीक है, वही कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें पता है, ठीक है, पहचान देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है, और उसके बाद क्या देखना है,
फॉर्मेट देखना है। फॉर्मेट सब में एक होता है, फॉर्मेट देखने की जरूरत नहीं। पहचान अगर हम देखेंगे तो लास्ट में या है, ये है, ये आया है, मतलब क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब चलिए क्लियर हो गया, प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ में हम या तो हैज लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, ये भी हमें पता है। और हमें फॉर्मेट पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद पीछे, तो अजय सबसे पहले हमें अजय लिखना है, फिर उसके बाद पीछे जाना है। पीछे क्या है, आए हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, हमें हमें पता है कि अजय सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हम हैज लगाएंगे, ठीक है। अजय हैज, ठीक है, मेरे घर, ठीक है, आया था, आया, ठीक है, आया है, अजय हैज। अब आना किस में होता है, कम में आना होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है, कम केम कम, ठीक है, कम फर्स्ट फॉर्म होता है, केम सेकेंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म कौन होता है, केम होता है। तो हो जाएगा अजय हैज केम टू माई होम, उसके बाद क्या हो जाएगा, कल, ठीक है, कल आया है, मतलब कि आया है, बीत चुका है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अजय हैज केम माई होम यस्टरडे। यहाँ पे क्या, अजय हैज कम टू माई होम यस्टरडे, ठीक है, इसमें यस्टरडे मेंशन नहीं किया गया, कल मैं भूल गया हूँ, तो इसका हो जाएगा अजय हैज कम टू माई होम यस्टरडे। बहुत अच्छे, चलिए बस यहाँ पे आप क्या लिख लीजिएगा, यस्टरडे। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम सारनाथ गए हैं, हम सारनाथ गए हैं, चलिए ठीक है, इसको आप सभी लोग ट्रांसलेट कीजिए फटाक से। महाकाल रावत, बहुत अच्छे, थैंक यू मिस्टर यशवंत रावत। अजय हैज कम टू माय होम, हम सारनाथ गए हैं, इसका आप लोग ट्रांसलेट कीजिए, हम सारनाथ गए हैं, जी ट्रांसलेट इट अजय, सॉरी, हम सारनाथ गए हैं, इसको सभी लोग ट्रांसलेट कीजिए फटाफट, ठीक है, फटाफट इसको ट्रांसलेट कीजिए सभी लोग, हम रीड कर रहे हैं, गॉन सारनाथ, वी हैव गॉन सारनाथ, प्रतिमा ने लिखा, ठीक है, स्नेहा, वी हैव गॉन सारनाथ, बहुत अच्छे, लेकिन देखिए गॉन टू, मी गो टू सारनाथ, नहीं, वी हैव गॉन सारनाथ, नहीं नहीं, वी अजय हैज कम टू माई होम यस्टरडे, स्नेहा, ठीक है, मनोज कुमार सिंह, ठीक है, देखिए सारनाथ नहीं रहेगा, वी हैव गॉन टू सारनाथ रहेगा, ठीक है। जैसे बेसिकली हमने डिस्कस किया था ना कि टू कहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, तो टू का सेंस होता है तक। अब जैसे सारनाथ कोई प्लेस के लिए जब हम जाते हैं, किसी स्थान के लिए जाते हैं, किसी जगह के लिए जाते हैं, तो उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, टू करते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तो ठीक है, स्कूल तक जा रहे हैं, स्कूल एक जगह है, तो उससे पहले हमने टू यूज किया है ना, वी गो टू स्कूल। तो इसी तरह हम सारनाथ गए हैं, तो वी हैव गॉन टू सारनाथ, ठीक है ना, वी हैव गॉन सारनाथ नहीं, सॉरी, वी हैव गॉन टू सारनाथ, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, वी हैव गॉन टू सारनाथ, महाकाल रावत, बहुत अच्छे, वी हैव गॉन टू सारनाथ, नहीं इन नहीं लगेगा, प्रतीक्षा सिंह, इन नहीं लगेगा, वी हैव गो टू सारनाथ, हिमांशु, नहीं, गॉन टू गॉन रहेगा, अभी हमने, ठीक है, चलिए सही है, बहुत सही लोग लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत अच्छा पकड़ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, तो हो जाएगा वी हैव गॉन टू सारनाथ, अगर टू नहीं भूलना है आपको, ठीक है, अभी हमने बताया ना बेसिकली, जब कोई भी जगह आ जाए और, ठीक है, और तक का सेंस टू यूज़ करते हैं, तो टू यूज़ करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम सारनाथ गए नहीं हैं, ठीक है, हम सारनाथ गए नहीं हैं, या फिर हम सारनाथ नहीं गए हैं, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के लिए आपको रूल पता ही है, केवल और केवल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, और बाकी जो भी सिंपल सेंटेंस होता है उसको, उसी को सेम लिखते हैं। जैसे
हम सारनाथ गए हैं, वी हैव गॉन टू सारनाथ। तो अगर हम सारनाथ नहीं गए हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ है, इसके बाद यहाँ पे बस इसके बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि वी हैव नॉट गॉन टू सारनाथ, क्लियर। ठीक है, देखिए निगेटिव बस होता है, कोई भी टेंस अगर निगेटिव है तो उसके हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बस हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, बाकी सब टेंसेस क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। इंट्रोगेटिव का भी सेम रूल होता है, अगर क्या पहले आ गया तो किसी भी टेंस में इंट्रोगेटिव है तो उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं, अगर क्या वही बीच में आ गया तो व्हाट जो आता है उसको हम पहले लगाते हैं। मतलब कि जो निगेटिव रूल होता है, इंट्रोगेटिव रूल होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल होता है, रूल्स मतलब कि अभी हमने बात किया ना कि हमें पहचान और हेल्पिंग वर्ब पता रहेगी, तो फॉर्मेट सबका सेम ही होता है। सो फॉर्मेट सब टेंस का क्या होता है, सेम होता है, तो हम आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव नॉट गॉन टू सारनाथ, बहुत अच्छे श्वेता यादव मीन रुद्रजीत ने बताया, वी हैव नॉट गॉन टू सारनाथ। ठीक है, आप लोग हाँ इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रैक्टिस है, क्या वह हमारे घर आए हैं, तो आए हैं नॉर्मली क्या पता ही हमें, आए हैं तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, हैज़ ही केम टू अवर होम। अब देखिए क्या पहले आया है, ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो जब भी क्या पहले आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्या लगा देते हैं, सबसे पहले। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा कि है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा लेंगे, और सब्जेक्ट लगाने के बाद तुरंत हम पीछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ वी, अब आना थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कम केम कम टू अवर होम। ठीक है, हमारे घर, अब हमारे घर एक जगह है तो इसीलिए हमने इससे पहले क्या लगाया, टू लगाया। ठीक है, तो टू का यूज़ समझ लीजिए, किसी भी स्थान या फिर जगह से पहले हम टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह हमारे लिए क्या कुछ लाए हैं। ठीक है, वह हमारे लिए क्या कुछ लाए हैं। अब देखिए दो कंडीशन हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया आपको, पहला क्या होता है, पहला क्या पहले आता है, जैसे कि पहले सेंटेंस में आप देख सकते हैं ना क्या पहले आया, और दूसरा सेंटेंस हो गया दूसरे टाइप्स का, ये भी इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन इसमें क्या है कि क्या बीच में आया है। तो जब भी क्या बीच में आ जाता है तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या को ही लिखते हैं। अगर देखिए क्या अगर पहले आया तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, लेकिन अगर वो दूसरे सेंटेंस में आप देखें तो क्या बीच में आया है, तो जब भी क्या बीच में आएगा तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या किस मिस होता है, व्हाट। लिया, अब हमें यह पता है कि दोबारा से या तो सब्जेक्ट लिखेंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, व्हाट हैज ही। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड लिखने के बाद तुरंत हमें हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत होती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह। ठीक है, अब इसके बाद हमें तुरंत कहां जाना होता है, पीछे जाना होता है। ठीक है, यही फॉर्मेट होता है, सबसे पहले अगर सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद तुरंत पीछे चले जाइए और पीछे से करते हुए आइए, या फिर अगर नेगेटिव है तो भी क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए उसके बाद पीछे से चले जाइए, पीछे से करते हुए आइए। लेकिन जब इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में दो चीज़ें आती हैं हमारे सामने, पहला या तो वो क्या से स्टार्ट होगा, मीन क्या स्टार्टिंग में आएगा, या फिर क्या बीच में आएगा। तो जब भी इंट्रोगेटिव, जैसे पहला सेंटेंस में क्या अगर स्टार्टिंग में आए तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जैसे कि हमने लगाया ही है, आपके सामने दिख ही रहा होगा। और अगर वही चीज़, ठीक है, अगर वही सेम चीज़ क्या हो, अगर वही सेम चीज़, एक सेकेंड हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इंक कलर हम ब्लू कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए तो यहीं पे क्या है, अगर क्या ये स्टार्टिंग पे आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं, लेकिन यहीं पे क्या ये क्या क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है, तो हमने क्या लगाया, सबसे पहले क्या मतलब कि व्हाट लगाया। ठीक है ना, व्हाट हैज़ ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो व्हाट का हो गया। अब उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, तुरंत एकदम सबसे सबसे जाके पीछे जाएंगे, लाए हैं। ठीक है, टेकन लाना किस में होता है, ब्रिंग मीन्स होता है टुक टेक, लेकिन कुछ आया तो यहाँ पे हमने टेकन लिया। फिर उसके बाद क्या होगा, समथिंग, अब किसके लिए, फॉर अस। ठीक है, देखिए हमने पीछे से करते हुए आया, क्या वह हमारे लिए कुछ लाए हैं, तो क्या होगा, व्हाट हैज ही टेकन समथिंग फॉर अस। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, जस्ट वेट प्लीज, इंक कलर प्लीज, हाँ ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुम मेरे घर कभी नहीं आए हो। देखिए अब इसमें नॉट नहीं लगेगा, नहीं तो है लेकिन किसके साथ में, कभी नहीं, ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में, क्योंकि अगर नहीं बस रहता है, जैसे अगर रहता तुम मेरे घर नहीं आए हो,
तो हम नॉट लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या आया है, तुम मेरे घर नहीं कभी नहीं आए हो। तो जब भी कभी नहीं आता है तो ये आप जानते रहिए कि कभी नहीं किसकी मिस होता है, नेवर मिस होता है। तो जब कभी नहीं आए किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में अगर कभी नहीं आए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेवर यूज़ करते हैं, न कि नॉट यूज़ करते हैं। ओके, सो यू विल हैव टू केयर ऑन दिस पॉइंट, वेन एवर अ नॉट इज कमिंग इन अ सेंटेंस देन एट दिस प्लेस यू विल यूज़ नॉट, बट अगर कभी नहीं आ गया देन यू विल हैव टू यूज़ देयर नेवर। ओके, वो नेगेटिव तो होगा ठीक है, बट वहाँ पे हमने क्या लगाना है, नेवर लगाना है, न कि नॉट, क्योंकि नॉट ही केवल नहीं नेगेटिव का सेंस नहीं देता है, बल्कि नेवर भी क्या आता है, एक नेगेटिव वर्ड कहा जाता है। तो किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए या तो आप नॉट यूज़ कर सकते हैं या फिर नेवर। अगर बस और बस नहीं है तो आप नॉट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर उसमें कभी नहीं है तो आप क्या यूज़ करेंगे, नेवर। तो चलिए ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं ये वाला ठीक है। तुम मेरे घर कभी नहीं आए हो, तो सबसे पहले हमने बताया कि अगर आपको क्या सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम ठीक है। और उसके बाद तुरंत हमें कहाँ जाना होता है, पीछे ठीक है। पीछे पहचान के लिए हम क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, यू ठीक है, अब कभी नहीं, यू हैव नेवर। इसमें देखिए दो तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं ठीक है, यू के बाद आप नेवर लगा सकते हैं, यू के बाद क्या कर सकते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं। यू हैव नेवर कम टू माई होम, ये भी आप कर सकते हैं, वो भी आपका सेंटेंस सही रहेगा, कोई गलती नहीं होगी उसमें। और दूसरा आप कह सकते हैं कि यू नेवर ठीक है, यू के बाद तुरंत ही नेवर लगा सकते हैं हैव कम टू माई होम ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, किसी भी कंडीशंस में आपके सेंटेंस को गलत नहीं माना जाएगा। या तो आप कह सकते हैं यू हैव नेवर कम टू माई होम, या फिर आप कह सकते हैं यू नेवर हैव कम टू माई होम ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, क्या वह अपने घर जा चुके हैं, क्या वह अपने घर जा चुके हैं ठीक है। सो आपको ये सेंटेंस अपने खुद से करना है अभी ठीक है। आप लोग इसको अभी ट्रांसलेट करके देख, थोड़ा सेंड कीजिए, हम चेक करें कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया है कि नहीं। मुझे तो पता है 100% आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लास भी इंटरेस्टिंग लग रही होगी आपको, तभी आप लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे ठीक है ना। सो चलिए ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा आप लोग कर दीजिए, और बीच बीच में लाइक भी प्रेस करते रहिए, हाँ लाइक दबाते रहिए, मुझे भी लगे ना कि कुछ सही किया जा रहा है ठीक है। चलिए ये ट्रांसलेशन जो है ना, ये वाला आप लोग ट्रांसलेट करके दिखाइए, क्या वह अपने घर जा चुका है, ये वाला देखते हैं सबसे पहले और सबसे एक्यूरेटली कौन करता है। बढ़िया है, चलिए थोड़ा जल्दी, क्या वह अपने घर जा चुका है ठीक है, क्या वह अपने घर जा चुका है ठीक है। आज कुछ लोग नए भी क्लास में प्रेजेंट हुए हैं, तो उनके लिए हम बता देना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस चलेंगी, कभी कभी क्लासेस पहले भी कर दी जा सकती हैं, तो आपको पता चल जाएगा आप क्लास में प्रेजेंट हो जाएंगे। और डेली क्लासेस 1 बजे से 2 बजे तक चलती हैं, आप लोग ये जान लीजिए ठीक है। 1 बजे से 2 बजे तक अपनी सेलफोन जो होता है अपने पेरेंट्स से मांग लिया कीजिए कि सर हमें पढ़ना है, दे दीजिए कुछ मिनट के लिए। चलिए ठीक है, कुछ लोगों का आया है अभी तक ठीक है। हैज़ ही गॉन टू अवर होम ठीक है, हैज़ ही गॉन मीन्स जाना, अपने घर जा चुके हैं, क्या वो अपने घर जा चुके हैं ठीक है। अभी देखिए ठीक है, अवर होम नहीं लगेगा, अवर तो नहीं लगने वाला है। ओन होम, कुछ लोगों ने जुगाड़ खोज लिया है, हैज़ ही गॉन टू ओन होम ठीक है, ओन भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ एग्जैक्ट लगाइए, हैज़ ही गॉन टू हिज होम ठीक है। प्रियांशु रॉय सही किए हैं, हैज़ ही गॉन टू हिज होम, बस टू लगाइए प्रियांशु, टू क्योंकि हिज होम है ठीक है, घर क्या है, एक जगह है हमने बताया ना, तो टू लगाइए वहाँ पे, क्या वह अपने घर जा चुके हैं, हैज़ ही गॉन टू हिज होम। बढ़िया है, हैज़ ही गॉन टू हिज होम, बहुत अच्छे। अंजलि ने सबसे अच्छा किया, देखिए एक क्लास 6 की लड़की अंजलि है, वो कितना ब्रिलियंसी शो कर रही है, हैज़ ही गॉन टू हिज होम लगाइए। हैज़ ही गॉन टू होम, हिज लगाइए ठीक है। आदित्य राजभर,
हैज़ ही गॉन टू होम, चलिए ठीक है, सबने अच्छा किया, हैज़ ही गॉन टू हिज होम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुमन देवी, हमें नहीं पता आप सॉरी किसी का नेम ही है, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, हैज़ दे गॉन टू हर होम। श्वेता सिंह ने किया है, ठीक है, हैज़ दे अगर आपने लगाया है, बाय द वे हम मान लेते हैं कि आपने इस वह को वे समझ ली है, ठीक है, आप वह को क्या समझिए हैं, वे, क्योंकि चुके हैं मतलब प्लूरल के साथ अगर आप लगा रही हैं तो क्या हुआ, श्वेता मतलब कि रुद्रजीत आप, ठीक है, तो अगर आप वह को वे समझे हैं और यहाँ पे चुके को आपने प्लूरल के अकॉर्डिंग समझा है, तब आपको हैज़ नहीं लगाना चाहिए था ना, आपको हैव लगाना चाहिए था, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी आप फॉल्ट कर दिए। चलिए ठीक है, एक और सेंटेंस है, इसको भी आप लोग धीरे धीरे करके सेंड करते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि नहीं तो परफेक्ट पे भी हम लोग आज रह जाएंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, देखिए धीरे धीरे ही पढ़िए लेकिन कुछ ना कुछ सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस इज मस्ट। चलिए ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक आपका प्रैक्टिस सेट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आपका एज ए होमवर्क है, ठीक है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट मार के आप लोग रख लीजिए स्क्रीनशॉट, और यही आपका होमवर्क है जिसको करके आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है ना। जैसे इसमें करना क्या है, कह रहा है कि राइट द सेंटेंस बिलो इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक कोई दूसरा टेंस दिया है उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, मतलब करना क्या है, केवल और केवल उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है और उसका जो जो फॉर्म है वर्ब का उसको थर्ड फॉर्म में कर देना है, आपका हो जाएगा। तो स्क्रीन शॉट मार के इसको आप लोग रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोग इससे पहले भी बहुत कुछ सीख लिए हैं बट इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि पहचान, ठीक है, जैसे कि सभी टेंसेस में हमने किया कि सबसे पहले उसकी साइन हमने देखा, फिर हेल्पिंग वर्ब देखा। तो इसमें देखिए जो भी किसी भी, पहले एक बात हम क्लियर कर देना चाहेंगे यहाँ कि किसी भी टेंस का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, किसी भी टेंस का, जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए या फिर पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए या फिर फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, सबका एक ही होता है कि उसी का जो कंटिन्यूअस होता है उसी की पहचान ही उसकी क्या होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी पहचान होती है, बस और बस उसमें क्या होता है, टाइम ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे होगा वह जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अगर वही कह दूं कि वह दो घंटे से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि इसमें दो घंटे टाइम आ गया। अगर मैं कह दूं कि वह खेल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अगर वही मैं कह दूं कि वह एक महीने से खेल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंटिन्यूअस की, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही पहचान, जैसे कि हमने पढ़ा ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हो, ठीक है, या फिर रहे हैं, तो वही पहचान उसकी प्रेजेंट परफेक्ट की भी होती है लेकिन उसमें बस और बस टाइम जोड़ दिया जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है टाइम के साथ में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो ठीक है, तो इसमें जो टाइम हमने बताया कि टाइम आ गया तो टाइम के लिए भी हम कुछ यूज करेंगे, ठीक है, टाइम के लिए अगर हम कुछ यूज करेंगे तो वो क्या होगा हमारा, सिंस एंड फॉर। टाइम के लिए जैसे देखिए, अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होंगे आप लोग कि अगर किसी भी, जैसे वह दो घंटा, ठीक है, जैसे वह दो घंटा से खेल रहा है तो देखिए दो घंटा से समय, समय के साथ में से आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिए कि समय के तुरंत बाद क्या आ गया, से आ गया, तो इस कंडीशन में सिंस और फॉर हम यूज करेंगे। अगर वही टाइम के बाद से नहीं आएगा तो हम सिंस और फॉर उस टेंस में यूज नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो ये सिंस और फॉर हम यूज करते हैं ये क्या होता है, एक वर्ड होता है से, जैसे हम नहीं कहते हैं फ्रॉम, ठीक है, तो उसी तरह समय के साथ में अगर से आ जाए तो उसका क्या कहेंगे, हम सिंस और फॉर यूज करेंगे, जैसे दो घंटा से, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंस और फॉर यूज करेंगे न कि फ्रॉम यूज करेंगे। क्लियर ना, तो कह सकते हो कि से मिस होता है सिंस एंड फॉर, या फिर सिंस एंड फॉर किसके मिस होता है, से मिस होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगता है, हैज़ बीन और हैव बीन और आई एन जी फॉर्म यूज होता है, ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन एंड हैव बीन और
मेरे में ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हिमांशु आप देखिए थ्री डॉटेड आ रहे होंगे ना, तो आप 144 पे किए होंगे, जो क्लिक करेंगे तो थ्री डॉटेड आ रहे हैं, उस थ्री डॉटेड पे जाके 144 पे आपका होगा। सो 144 से हटा के आप उसको 340 पे कर लीजिए या 360 पे कर लीजिए। अगर आप 360 पे कर लेंगे ना तो आपको समझ आएगा आराम से, वो चीज़ें दिखेंगी एकदम क्लियरली। ठीक है, वो होमवर्क की बात कर रहे हैं तो ठीक है, मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, अभी फ़िलहाल में क्लास में केयर कीजिए, क्लास में ध्यान दीजिए आप लोग, क्लास में नहीं ध्यान देंगे तो। प्रतिमा ने लिखा जैसे एग्जैक्ट टाइम का पता हो वहाँ सिंस लगाएंगे, और एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होगा वहाँ फॉर लगाएंगे। ठीक है, ये तो मेन कन्फ्यूज़न होता है हमारा, कि अभी तो हमने भी यही बताना है कि जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं होता वहाँ पे क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। लेकिन कैसे हम जानेंगे कि कौन सा टाइम क्या है एग्जैक्ट है और कौन सा टाइम एग्जैक्ट नहीं है, आज की क्लास में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको सिंस और फॉर का जो कन्फ्यूज़न है वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे और कहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे, क्यों हम सिंस यूज़ करते हैं, क्यों हम फॉर यूज़ करते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए कि हम सिंस और फॉर वहीं यूज़ करेंगे जहाँ पे से आया रहा होगा, जैसे मैं 10 दिन से खेल रहा हूँ तो यहाँ पे से आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। और वो टेंस किस में होना चाहिए, वो टेंस किसी के भी, मीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होना चाहिए तो हम सिंस फॉर यूज़ करेंगे, और वहाँ पे से आना चाहिए तो भी हम सिंस फॉर यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ बीन एंड हैव बीन लगता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हैज़ बीन और हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों तो यूज़ करना नहीं है। तो पहला वाला हम किसके साथ यूज़ करेंगे, पहला वाला हम यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ में, और दूसरा वाला जो हैव बीन है वो किसके साथ में यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ में यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल में तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है, ठीक है। और इसमें वर्ब का ing फॉर्म, मतलब कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए यूज़ इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट भी नहीं कर पाया था, टाइम नहीं था मेरे पास, सो बस राइट करना तो माउस से पॉसिबल नहीं होता राइट करना, तो मैंने इस पर डिस्कस कर लिया थोड़ा सा, शॉर्ट में किए हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, कहाँ पे हम सिंस और कहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। फिक्स टाइम क्या यूज होता है, सिंस होता है। अनफिक्स टाइम, जो टाइम फिक्स नहीं होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। अब ठीक है, मैंने तो कह दिया कि फिक्स टाइम पे सिंस यूज़ करते हैं, अनफिक्स टाइम पे फॉर यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे हमें पता है कि फिक्स टाइम है कि अनफिक्स टाइम, क्योंकि टाइम तो टाइम होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे फिक्स टाइम किसको कहेंगे और अनफिक्स टाइम किसको कहेंगे। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यही सब कुछ क्लियर कर देगी। फिक्स टाइम मीन नेम ऑफ टाइम, किसी भी टाइम का जो नेम होता है वही क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। जैसे हमने कह दिया डेज, ठीक है, हमने क्या कह दिया डेज। अब देखिए सभी चीज़ों को बेसिकली हम स्टार्टिंग समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटी नंबर्स क्या होती है, हावर, ठीक है, क्या होता है हावर मीन्स घंटा, ठीक है। अभी देखिए घंटा क्या है, ये नेम नहीं है, ये ग्रुप है। घंटे में क्या होता है, जो हावर होते हैं उसमें वन भी आता है, टू भी आता है, थ्री भी आता है, फोर भी आता है, फाइव भी आता है, मीन ट्वेल्व तक सारे नंबर्स आते हैं। तो ये हावर जो का, अगर उसने कह दिया कि वो दो घंटे से खेल रहा है, ठीक है, वो दो घंटे से खेल रहा है, तो ये क्या होगा, अनफिक्स टाइम होगा, ठीक है। और अगर वही कह दे कि वो दो बजे से खेल रहा है, दो बजे से खेल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम सिंस यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, फॉर। जैसे वो कह दिया वो 10 घंटे से पढ़ रहा है, वो 10 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनफिक्स टाइम हो जाएगा। अगर वही कह दे कि ये 10 बजे से पढ़ रहा है, 10 बजे से पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम हो जाएगा। मतलब वहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सिंस यूज़ करने वाले हैं। अगर वही कह दे वो 12 घंटे से पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अनफिक्स टाइम होगा। अगर वही कह दे वो 12 बजे से पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम हो जाएगा, मतलब कि सिंस यूज़ करेंगे। तो ये आपको देखना है कि अगर केवल घंटा दे, ठीक है, घंटे का नाम न दे, बस और बस घंटा दे,
जैसे बस हावर दे, हावर्स नेम ना दे, तो वहाँ पे जब अगर बस और बस हावर दे, जैसे टू हावर से ही इज रेटिंग फॉर टू हावर, तो जब भी टू हावर देगा ठीक है, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करने वाले हैं, फॉर यूज़ करने वाले हैं। और अगर फिक्स टाइम दे, टाइम का जो हावर का नेम दे दे, जैसे हावर बहुत सारे होते हैं, हावर में 12 नंबर्स हैं और 12 का नंबर्स का अलग अलग नेम है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें ये हावर तो सभी हैं लेकिन उनका एक पार्टिकुलर नाम, जैसे कि हमने कहा ना नेम ऑफ टाइम, तो घंटे में तो घंटा सभी है लेकिन नेम ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो सबका अपना अपना नेम होता है। जैसे 1 बजे का अपना नाम है 1 बजे, 2 बजे का अपना नाम है 2 बजे, 3 बजे का अपना नाम है 3 बजे, 4 बजे का अपना नाम है 4 बजे, 5 बजे का अपना नाम है 5 बजे। तो इस तरह से क्या होता है, जो अगर बजे आ जाए ठीक है, अगर बस घंटा आ जाए तो वो अनफिक्स टाइम होगा, अगर इतने बजे आ जाए एकदम तो वो क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। लेकिन एक बात जानते रहिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई अनफिक्स भी टाइम हो, उससे पहले लास्ट लग जाए तो वो फिक्स बन जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं कि अगर कोई अनफिक्स टाइम भी हो, जैसे मैंने कहा कि 2 घंटे से खेल रहा है, मैंने कहा ये अनफिक्स है, अगर वो 2 बजे से खेल रहा है तो फिक्स है। तो मैंने अभी एक और भी बात बताई कि अगर वही कहीं अनफिक्स टाइम से पहले ही लास्ट लग जाए तो वो क्या होता है, वो भी टाइम फिक्स कहा जाता है। जैसे 2 घंटे से खेल रहा है ये अनफिक्स है, लेकिन वही पिछले 2 घंटे से खेल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। वो 10 घंटे से खेल रहा है ये अनफिक्स है, लेकिन उसी से पहले अगर पिछले लग जाए, जैसे लास्ट 10 आवर से खेल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, टिपिकल चीज़ें हैं ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हमें यही बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर केवल और केवल टाइम दिया हो, जैसे घंटे की अभी हमने बात किया, अभी उसके बाद हम डेज पे भी बात करेंगे, मंथ पे भी, ईयर पे भी बात करेंगे, फेस्टिवल्स में भी कहाँ कहीं कहीं यूज होता है या उसके बाद पिछले पे यूज होता है, तो सारी चीज़ें अभी हम सिंस एंड फॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम एक मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ठीक है, थोड़ा सा मुझे पानी पीने जाना है, तो 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम तुरंत आके आपकी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तब तक आप लोग थोड़ा सा हमें एक क्वेश्चन बताइए कि 1981, जैसे वह 1981 से खेल रहा है, वह 1981 से खेल रहा है, तो इसमें हम सिंस यूज़ करेंगे कि फॉर यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे ठीक है। वह 1981 से खेल रहा है, इसमें हम सिंस यूज़ करेंगे कि फॉर यूज़ करेंगे, और अगर हम सिंस यूज़ करेंगे तो क्यों यूज़ करेंगे और फॉर यूज़ करेंगे तो क्यों यूज़ करेंगे, सभी लोग जितने लोग भी ऑनलाइन हैं प्लीज़ बताइए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको कितनी बातें समझ में आई हैं, आप कितना सीखें और कितना आपको सिखाना है ठीक है। आप जल्दी थोड़ा कीजिए इसके बारे में, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, एयरफोन थोड़ा निकाल रहा हूँ अपना।
ठीक है फटाफट टाइप। अच्छा दिस टाइम इज फिक्स। ठीक है प्रिंस, बहुत अच्छे। ठीक है हाँ आई एम बैक बिकॉज फिक्स टाइम। ठीक है अंजलि प्रतिमा, क्योंकि टाइम का नेम दिया है 1991 इसलिए सिंस होगा। बहुत अच्छे प्रतिमा ने अच्छा आंसर दिया, फिक्स टाइम। ठीक है फिक्स टाइम है तो क्यों है, दिस टाइम इज फिक्स टू गुड, योर ऑल्स आंसर इज टू गुड, बट आई हैड आल्सो अ क्लैरिफिकेशन व्हाई यू आर सेइंग दैट टाइम इज फिक्स एंड व्हाई दैट इज नॉट फिक्स। ओके सो चलिए ठीक है, बढ़िया है, सभी ने बढ़िया बताया। सो ये बात रही किस पे, डेज पे। ठीक है आप थोड़ा सा फोकस कीजिए मैसेज के साथ साथ, आप लोग स्क्रीन पे भी थोड़ा सा फोकस करते रहिए। हाँ चलिए ठीक है, हम भी कुछ कर देते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई हमारे केस में, हमने हावर पे बात कर लिया, घंटे पे बात कर लिया, तो घंटे संबंधित रिलेटेड हमारी जो कन्फ्यूजन हुए होंगे वो दूर हो गए होंगे। ठीक है ना, और हमने किस पे बात की, हमने तीन चीज़ों पे बात की। पहला अगर 2 बजे दिया रहेगा तो वो अनफिक्स टाइम हो जाएगा, अगर वही 2 घंटे दिया है, ठीक है सॉरी अगर 2 घंटे दिया है तो वो अनफिक्स टाइम होगा, मीन अगर घंटा आ जाए, मीन अगर हावर आ जाए किसी भी नंबर्स के बाद घंटा आ जाए या फिर मीन्स क्या आ जाए आवर आ जाए, ठीक है तो वो क्या होता है अनफिक्स होता है। ठीक है वो क्या होता है अनफिक्स होता है, अगर वहीं बजे आ जाए, ठीक है बजे जैसे 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, 9 बजे से, 8 बजे से, मतलब इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ओ क्लॉक। ठीक है ओ क्लॉक आ जाए तो वो क्या होगा फिक्स टाइम होता है। ठीक है ये दोनों चीज़ें आप अपने दिमाग में रख लीजिए, बस यही सबका क्या है कीवर्ड है, जितना भी हमने डिस्कस किया वही क्या है इसका कीवर्ड है कि अगर घंटा जाए किसी नंबर के पहले क्या आ जाए घंटा आ जाए, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है जैसे घंटा आ जाए, या हमने 3 लिख दिया 2 लिख दिया, 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से या फिर 3 आवर 4 आवर 5 आवर, तो वो क्या हो जाएगा अनफिक्स हो जाएगा। ठीक है अनफिक्स टाइम हो जाएगा, अगर वहीं पर हमने लिख दिया 3 बजे 4 बजे 5 बजे या फिर 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock, तो ये क्या हो जाएगा फिक्स टाइम हो जाएगा। मतलब कि इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे फॉर यूज़ करने वाले हैं, और इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करने वाले हैं सिंस यूज़ करने वाले हैं। क्लियर बहुत अच्छे। ठीक है यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे सिंस यूज़ करने वाले हैं। क्लियर, और एक बात हमने आपको बताई कि लास्ट अगर किसी भी अनफिक्स टाइम से भी पहले क्या लग जाए, उसके पहले लास्ट लग जाए, जैसे मैं पिछले 2 घंटे से, अब यहाँ 3 घंटा अनफिक्स टाइम है लेकिन लास्ट लग जाए, जैसे मैं पिछले 3 घंटे से खेल रहा हूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे 3 आवर है, आई एम प्लेइंग हियर सिंस 3 आवर, ठीक है सिंस लास्ट 3 आवर, तो यहाँ पे 3 आवर किससे पहले क्या लग जाएगा सिंस लग जाएगा। ये चीज़ें आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ठीक है ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, क्योंकि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो भी मिलने वाली है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो भी मिलने वाली है, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो भी आपको ये चीज़ें सारी मिलने वाली हैं। तो चलिए ये तो रही टाइम की बातें। ठीक है टाइम में हमने क्लियर कर लिया कि अगर घंटा दिया हो मीन हावर दिया हो तो वो अनफिक्स होता है, अगर वहीं पे बजे लिखा हो या फिर ओ क्लॉक लिखा हो तो वो क्या होता है फिक्स होता है। चलिए ठीक है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब डेज पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डेज में क्या होता है। ठीक है देखिए हमने जैसे बताया कि अगर नेम ऑफ टाइम है, नेम ऑफ टाइम, तो वो क्या होगा कि फिक्स टाइम होगा, और अगर नेम ऑफ टाइम नहीं है तो वो क्या होगा अनफिक्स टाइम होगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट पे देखते हैं, जैसे 2 दिन, ठीक है दिन का नाम, जैसे 2 दिन लिख दिया, ठीक है 2 दिन, ठीक है 2 दिन से अगर 2 दिन बस लिख दिया, ठीक है या फिर हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं टू डेज, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये टाइम क्या होगा अनफिक्स होगा। अगर वहीं पे डेज न लिख करके डेज का नेम लिख दे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है फिर से संडे मंडे, तो ये सारे चीज़ें क्या हो जाएंगी फिक्स हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे दिन दिया है, दिन का नेम नहीं दिया है, और यहाँ पे दिन के क्या दिए हैं नेम दिए हैं, तो जब भी संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे आएगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं सिंस यूज़ करने वाले हैं। अगर वहीं पे केवल और केवल क्या आ जाए दिन आ जाए, दिन का नाम ना आए,
देखिए डेज आ जाए, डेज की नेम नहीं आए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, फिक्स टाइम नहीं होता है, मीन अनफिक्स टाइम होता है, और वहाँ पे हम ये क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको भी समझ में आनी चाहिए, ईजी हैं, समझ में आ ही जाएंगी, थोड़ा सा फोकस कीजिए बस, हमारे साथ जुड़े रहिए, और जैसे हम चाहते हैं वैसे जुड़े रहिए बस, ये नहीं कि दो मिनट में नेट, चलिए ठीक है ये तो पढ़ा ही रहे हैं, अभी 15-20 मिनट तक पढ़ाएंगे, 10 मिनट तक पढ़ाएंगे, तब तक हम गेम खेल के आ जाते हैं, पबजी खेल के आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सब नहीं अच्छी बात है, धोखा अपने आप को मत दीजिए आप, ठीक है। तो 10 मिनट की क्लास और बची है, 10 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा ज़्यादा ख़त्म कर दें, उसके बाद फिर हम लोग कल के क्लासेस में आगे का सीखेंगे। कल के क्लासेस में हम सोच रहे हैं कि आज प्रेजेंट ख़त्म कर दें, केवल कल के क्लासेस में हम पास्ट से स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये डेज वाला भी क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली मंथ वाले पे, ठीक है। सो मंथ में क्या होता है, अगर मंथ आ जाए, ठीक है, अब अभी एक चीज़ इसमें बच गई, ठीक है, टू डेज आ गया तो टाइम क्या हो गया, अनफिक्स हो गया, लेकिन वही क्या हो गया, डेज का नेम आ गया तो वो क्या हो गया, टाइम फिक्स हो गया। लेकिन अगर अनफिक्स टाइम में ही, जैसे ये टू डेज, ठीक है, अनफिक्स टाइम में ही पहले लास्ट लग जाए, लास्ट मीन्स आखिरी, पिछले लास्ट टू डेज आ गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी कौन सा टाइम हो जाएगा, फिक्स टाइम होगा। मतलब कि किसी भी अनफिक्स टाइम में ही अगर लास्ट लग जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम हो जाएगा। ये अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए, फोल्डर बना के एक ठो, ठीक है। चलिए ठीक है, मतलब कि हावर का हो गया, मंथ का हो गया, अब हम ईयर पर बात करते हैं। तो ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर में फिक्स टाइम और अनफिक्स टाइम क्या होगा, जैसे टू ईयर, जैसे दे दिया दो साल से, ठीक है, क्या से, दो साल से, तुम दो साल से खेल रहे हो, खेल रहे थे, या फिर इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, टू ईयर, यही ना, ठीक है। थोड़ी हैंडराइटिंग अच्छी हो जा रही है इसमें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको समझने में, ठीक है ना, क्योंकि माउस से लिखना कंफर्टेबल नहीं होता है। अभी टू साल, अब देखिए टू ईयर दिया है यहाँ पे, अब ईयर का नेम नहीं दिया है, अब ईयर के नेम कैसे होते हैं, कन्फ्यूजन हमें हो रहा है कि ईयर के नेम कैसे होते हैं। तो जैसे कि होता है ना, जैसे ये कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, उससे पहले कितना चला था, 2090, उससे भी बहुत पहले कितना चला था, 1985, ठीक है। इस तरह के जो नंबर्स में दिए गए हों, जिससे बाद में ईयर ना आए केवल नंबर्स आए, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। और उनसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं, क्योंकि फिक्स टाइम से पहले हम सिंस यूज़ करते हैं, और अनफिक्स टाइम से पहले क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। जैसे दो साल दिया हो, तीन साल दिया हो, चार साल दिया हो, दस साल दिया हो, बीस साल दिया हो, या फिर टू ईयर दिया हो, ट्वेंटी ईयर दिया हो, हंड्रेड ईयर दिया हो, लेक ईयर, ठीक है, मिलियन बिलियन ईयर, अगर उससे पहले बस ईयर आ जाए, किसी से पहले क्या आ जाए, ईयर आ जाए, तो वो क्या होता है, अनफिक्स होता है। और ईयर ना आकर के ईयर का टाइम आ जाए, ईयर का नंबर्स आ जाए, ठीक है, उसके बाद ईयर ना आए, तो वो क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। तो मतलब कि देखिए, इतनी चीज़ें सीखने के बाद हमें एक चीज़ तो टेक्निकली पता ही चल गई कि अगर वो टाइम आ रहा है, टाइम का नेम नहीं आ रहा है, तो टाइम बस आ रहा है तो वो अनफिक्स हो जाएगा, और टाइम का नेम आ रहा है तो फिक्स हो जाएगा। इसको और भी आसान अगर आप करना चाहते हैं, तो मैं एक और आपको टेक्निक देता हूँ, ठीक है, और आपको मैं एक टेक्निक देता हूँ, उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप कभी भी इन चीज़ों को भूलने वाले नहीं है। ये कीवर्ड है, ठीक है, ट्रिक है। जैसे कि देखिए दिन, ठीक है, जैसे दो दिन, ध्यान दीजिए, दो दिन, यहाँ पे क्या आ गया, दिन, फिर उसके बाद हो गया मंथ पे मैंने बढ़ा था, दो महीने, ठीक है, दो महीने। अब देखिए उसके बाद आ गया, अगर हम साल की बात करें कि दो साल कह सकते हैं, टू ईयर, ध्यान दीजिए बस जो मैं बता रहा हूँ वो, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिन आया है, दिन का नाम नहीं है, यहाँ पे महीना आया है, महीने का नाम नहीं है, यहाँ पे साल आया है, साल का नाम नहीं है। तो ये वाली कंडीशन जहाँ पे दिन आ जाए, महीने आ जाए, साल आ जाए, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वो अनफिक्स टाइम होता है। अब इसको छोड़ के जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम हो जाएगा। जैसे दिन आ, दिन न आए, ये इसमें तो दिन आ गया, अनफिक्स हो गया, इसमें तो महीना लिखा हुआ आ गया, सीधे सीधे महीना, अनफिक्स हो गया, इसमें साल सीधे सीधे मिनी ईयर लिखा हुआ आ गया, तो अनफिक्स हो गया। अगर वही डेज का नेम जैसे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम हो जाएगा। तो
फिक्स टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे महीना मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम हो जाएगा। अब ईयर की बात हमने की तो जैसे 2020, 2019, 2080, 1986, 1993, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, फिक्स टाइम हो जाएंगे। तो लॉजिकली थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको हर जगह यूज होने वाली है और टेंस की सबसे कन्फ्यूजन वाली टॉपिक है, तो ये आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। न समझ में आया तो आप इस लाइव वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और आपको काफ़ी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सॉल्व करने के लिए अच्छे तरीके से तैयार हैं, क्योंकि हमें इस हेल्पिंग उसकी पहचान भी पता हो गई कि पहचान क्या होती है। उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में टाइम आ जाता है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब भी हमें पता चल गई, हैज़ बीन, हैव भी लगता है, सिंगुलर के साथ में हैज़ भी लगाते हैं, प्लूरल के साथ में हैव भी लगाते हैं, और सिंस फॉर यूज़ करते हैं से के लिए, मतलब टाइम के लिए सिंस फॉर यूज़ करते हैं, अगर फिक्स टाइम है तो सिंस यूज़ करेंगे, अनफिक्स टाइम है तो फॉर यूज़ करेंगे। क्लियर है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ने पे हमें सबसे पहले एक सेंटेंस दिखा, पिछले दो दिन से मैं सो रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने एक चीज़ डिस्कस किया। ठीक है, अब पहले हम सबसे पहले हमने बताया कि किसी को भी ट्रांसलेट करने से पहले उसको हमें क्या देखनी होती है, पहचान, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद उसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट हमें देखना नहीं है क्योंकि उसमें हम फॉर्मेट को अच्छी तरह से जान गए, तो पहचान और हेल्पिंग वर्ब हमें देखना है। तो पहचान लास्ट में मिलती है, रहा है, रही है, मतलब कि ये कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन इसमें टाइम दिया है दो दिन, तो मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर, अब हमें पहचान हमारी क्लियर हो गई, अब हेल्पिंग वर्ब हम ढूंढते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता है कि हैज़ बीन होता है, और कौन होता है, हैव बीन होता है, सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन, प्लूरल के साथ में हैव बीन। क्लियर, चलो ठीक है। अब हमें फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट सबसे पहले पहला लिखते हैं, उसके बाद लिखते हुए आते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे है मैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं, उसके बाद तुरंत पीछे, ठीक है, आई, ठीक है, पीछे हम गए, तो पहचान के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो आई चूँकि प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, हैव बीन, आई हैव बीन, उसके बाद हम पीछे आएंगे तो क्या मिल गया, सोना, आई हैव बीन स्लीपिंग। अब देखिए से आ गया, मैं मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं पहले ही लिख चुका हूँ, तो से के लिए अभी हमने बताया कि सिंस एंड फॉर लगाएंगे, तो यहाँ सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। अब आप जब दो दिन देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन उससे पहले पिछले लगा है, तो जब भी हमने कहा कि टाइम फिक्स ना हो लेकिन उससे पहले पिछला लगा हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पिछले दो दिन से मैं सो रहा हूँ, तो मैं लिखने के बाद हम तुरंत जाएंगे, आई हैव बीन स्लीपिंग, सिंस लग जाएगा यहाँ पे, लास्ट टू डेज, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट टू डेज, ये हमारा आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट टू डेज, ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा केयर करना है, थोड़ा सा फोकस करना है। नेक्स्ट हमारा है, दो दिन से वह सब खेल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे रहे बना लीजिएगा, ठीक है, खेल ल रहेगा, खेल रहे हैं, क्या क्या लिख देता हूँ मैं भी, ठीक है, इसको कट करो, यहाँ पे क्या बना लो, खेल रहे हैं, ठीक है, क्या बनाओ, खेल रहे हैं, दो दिन से वह सब खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, ठीक है, दो दिन से वो सब खेल रहे हैं, तो दो दिन से वह सब, ठीक है, पहले हमें सब्जेक्ट खोजना है, और उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टाइम फिक्स है कि अनफिक्स है। देखिए दो के साथ में दिन आ गया है, दिन आया है, दिन का नाम नहीं, मतलब टाइम क्या है, आप लोग बताइए टाइम ये क्या है, ठीक है, ये बताइए दो दिन है तो ये टाइम फिक्स है कि अनफिक्स है, फिक्स है तो क्यों, अनफिक्स है तो क्यों, थोड़ा फटाक से बता दीजिए, खेत में है, ठीक है, खेत में है नहीं, हम सब खेल रहे हैं, वो मिस प्रिंट हो गई, उसको थोड़ा सही कर लीजिए, दो दिन से हम सब खेल रहे हैं, ठीक है ना, चलिए 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 थोड़ा जल्दी, ये नहीं रहेगा, हम सब खेल रहे हैं, वह सब खेल रहे हैं, यहाँ पे खेल रहेगा, खेल रहे,
चलो ठीक है, बहुत अच्छा, वो तो पहले ही और सही था। ठीक है तो बताइए, 2 दिन क्या है, 2 दिन टाइम फिक्स है कि अनफिक्स है, जल्दी बताइए, 2 दिन टाइम फिक्स है या फिर अनफिक्स टाइम है? बहुत अच्छे, अनफिक्स है क्योंकि टाइम का नेम नहीं है। बहुत अच्छे, अनफिक्स प्रिंस प्रतिमा रुचि सिंह, रुचिका सिंह सॉरी। ठीक है, अरमान अभी से आ रहे हो आप, क्लास में नहीं थे अब तक, लास्ट में बस आते हो। अपने आप को धोखा मत दो, पढ़ लो जितना पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलने वाला है। हाँ, एन अनफिक्स, बहुत अच्छे आदित्य, अनफिक्स अनफिक्स दिन का नाम नहीं है इसीलिए सर अनफिक्स है क्योंकि डिस डी नॉट की। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी ने एकदम एक्यूरेट आंसर दिया, जितने लोग क्लास में हैं सभी लोगों ने एकदम एक्यूरेट आंसर दिया है। बहुत अच्छे, मतलब कि डेज दिया है, डेज के नेम नहीं दिया इसलिए ये क्या है, अनफिक्स है। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट खोल लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वह सब, दोनों है, किसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट होता है, वह सब। और उसको लिखने के बाद हम तुरंत पीछे चले जाते हैं, वह सब ठीक है रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ये प्लूरल है क्योंकि वह सब मतलब कई सारे हैं। ठीक है, तो दे आल क्या हो जाएगा, दे आल हैव बीन, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, खेल रहे हैं, दे आल हैव बीन प्लेइंग सिंस, से के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है। दे आल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, दे आल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, ये हो जाएगा, दे आल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। बहुत अच्छे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अमन 1987 से खेल रहा है, अमन 1987 से खेल रहा है, इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिए थोड़ा जल्दी से। नीतू सिंह प्रेजेंट सर, श्रेया, ठीक है श्रेया, अभी से आप कहाँ थे, आप पूरे क्लास में, क्लास ओवर होने वाला है तो आप आ रही हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ट्रांसलेट कीजिए इसको, ये आप लोगों के लिए फटाक से कीजिए, देखते हैं सबसे पहले और सबसे अच्छा कौन करता है। अमन 1998 से खेल रहा है, ठीक है, विश्वास सिंह, डे नहीं रहेगा, डेज रहेगा क्योंकि 2 है तो 2 के साथ में सिंगुलर एंड प्लूरल हो जाता है। जी, ही आल नहीं रहेगा, वह सब मतलब कि दे हो गया, ही आल, ही के साथ में आल कभी नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा सा ही को हटाइए अपने, वह दिख तो रहा है वह ही वाला, लेकिन वो वे है, दे है, फिर से दे आल हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, 2 डे नहीं रहेगा, 2 डेज रहेगा, थोड़ा सा सर आप दिख नहीं रहे हैं, संतोष सिंह, हाँ निखिल सिंह, हाँ आज दिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कैमरा मेरा खराब हो गया है, हाँ न्यू कैमरा आएगा तो दिख जाऊँगा। चलिए, वैसे तो आप लोग भी नहीं दिख रहे हैं, थैंक यू निखिल सिंह, थैंक यू, रिप्लाई कीजिए निखिल सिंह। अमन 1998 से खेल रहा है, 1998 से खेल रहा है, जल्दी कीजिए। अमन हैज बीन प्लेइंग सिंस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अमन हैज बीन प्लेइंग सिंस 19, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुतों ने बहुत अच्छा दिया। अमन वाला बताइए, अमन वाला बताइए भैया, हम वेट कर रहे हैं। अमन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 1972, ठीक है, अमन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 1998, बहुत अच्छे, प्रतिमा ने बहुत सही बताया है, अलका सिंह ने भी बहुत अच्छा बताया, प्रिंस ने भी बहुत अच्छा, दे आल हैव बीन प्लेइंग इन 2 डेज, दे आल हैव बीन, ठीक है, दे आल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डे, हाँ अलका सिंह बहुत अच्छे, ठीक है, डे और डेज में थोड़ा सा सही है, सही है, अब आपका सही, ठीक है। तो अमन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 1998, ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही, और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया आज, आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है ना, इसी तरह कंटिन्यू आप क्लासेस में बने रहिए, और जो लोग नए हैं उनको अगर क्लास करना है डेली, क्योंकि क्लासेस डेली हमारी चल रही हैं, और इस टाइम स्पेशली वी आर फोकसिंग ऑन आवर टेंसेस, सो यू मस्ट
विल हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल फर्स्ट, और उसके बाद बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है। इसके बाद हम कल या फिर उसके नेक्स्ट डेज हम वीडियो डाल रहे हैं, हाँ, जिसमें आपका ट्रिक होगा। जैसे पहचान की तो हमने ट्रिक बताई, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की ट्रिक नहीं बताई। तो ये एक दो दिन और लाइव क्लासेस लेने के बाद हम आपको ट्रिक सेंड कर देंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझ में आने लगेगा। तो आप पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू फर्स्ट अपना टाइम देने के लिए। ओके, सो बाय एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट।